आज मैं आप लोगों के लिए बिना गैस जलाए बहुत ही झटपट से बनने वाली टेस्टी बर्फी की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए फिर से बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना गैस जलाए तीन कलर की बर्फी, तो चलिए फिर से बना लेते हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा बर्फी बन के तैयार हुआ है, तो इसे बनाने में हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, तो देर किस बात की, चलते हैं बनाने। इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरी कोकोनट पाउडर लिया है, नारियल का चूरा आता है ना, वही हमने लिया है। तो इसे बनाने के लिए मैंने मिक्सी जार लिया है, मिक्सी के जार में हमने कोकोनट पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 8-10 काजू भी हमने ऐड कर दिया है। साथ ही हमने एक कटोरी पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। पीसी हुई चीनी डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्सी के जार में डाल के चला लेंगे, 2 से 3 बार इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। यह बर्फी झटपट से बनके तैयार हो जाती है और इसमें गैस जलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए फिर आपको ढक्कन खोल के दिखलाते हैं। हमने 2 से 3 बार इसको अच्छे तरीके से चर्न कर लिया था, अब हम इसे एक बाउल में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो हमने सारा पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब चलिए बर्फी बना लेते हैं झटपट से। तो चलिए फिर इसमें हम 4 चम्मच दूध ऐड करेंगे, खाने वाला चम्मच से आप 4 चम्मच इसमें दूध ऐड कर दें। एक बार में दूध नहीं ऐड करना है, पहले हमने इसमें 4 चम्मच दूध ऐड किया है, आप यहाँ देखेंगे। अब हम इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो, आप यहाँ देखेंगे कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और एक डो फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसका 3 भाग कर लेंगे समान भाग में। तो चलिए फिर इसे 3 पार्ट में हमने कर लिया है और इसको गोल पेड़ा का आकार दे देंगे। आप यहाँ देखेंगे कि हमने इसे गोल पेड़ा का आकार दे दिया है। अब हम इसमें 1 पिंच केसरिया कलर ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने इसमें केसरिया फूड कलर ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। जब तक ये अच्छे तरीके से कलर इसमें आ जाता है, तब तक इसको हाथों से इस तरह से मिला लेंगे। चलिए अब देख सकते हो ये अच्छे तरीके से इसमें कलर आ चुका है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक और पेड़ा लेंगे और उसमें हम हरा कलर ऐड कर देंगे 1 पिंच। आप यहाँ देखेंगे कि हमने हरा कलर ऐड कर दिया है। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए, आप लोग अगर एक बार ये बर्फी बना लोगे तो बार बार बनाओगे, इतना अच्छा लगता है जिसका कोई जवाब नहीं। आप देखेंगे ये सभी कलर हमने बना लिया है। अब इधर हम एक बटर पेपर लेंगे, इस पे हम हरा कलर वाला डो ऐड कर देंगे और इसके ऊपर से इस तरह से बेलन से बेल लेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हम इसको बेल रहे हैं, इसको हम चौकोर शेप में बेल रहे हैं थोड़ा लंबा करके, और इसको इस तरह से सीधा हमने बेल लिया है। अब फिर व्हाइट वाला पार्ट लेंगे और इसको भी इसी तरह से बेल लेंगे। आप देख सकते हो समान भाग में सभी को हमको बेल लेना है। अब हम इसे चॉपिंग बोर्ड पे डाल के बेल रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरह से हम इसको बेल रहे हैं, उसी तरह से आपको बेल लेना है। अब हम केसरिया कलर वाला ले लेंगे। आप देख सकते हो अब इसको भी उसी तरह से बेल लेना है समान भाग में। आप देखेंगे कि तीनों हमने अच्छे तरीके से बेल के रेडी कर चुके हैं। अब हम पहले वाला बटर पेपर ले लेंगे और इसको चॉपिंग बोर्ड पे बिछा दिया हमने, इसके ऊपर से केसरिया वाला, उसके ऊपर से व्हाइट वाला डाल दिया हमने और उसके ऊपर से हरा वाला। आप देख सकते हो तीनों को हमने एक दूसरे के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हल्का सा बेल लेंगे, बेल के इसका साइड का कॉर्नर हम कट कर लेंगे। तो चलिए फिर आपको हम दिखलाते हैं किस तरह से इसको कट करना है। साइड से हम इसको हल्का हल्का कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा भाग होगा ना उसको हम कट कर ले रहे हैं, उसको भी साइड का कॉर्नर भी हम नहीं हटाएंगे, उससे भी मिठाई तैयार कर लेंगे। उसको अलग पेड़ा टाइप का शेप दे देंगे जिससे अच्छा मिठाई बन के रेडी हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कि चारों तरफ का कॉर्नर हमने हल्का हल्का कट कर दिया है। अब इसको फ्रिज में सेट होने के लिए 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है। अब हम चलिए इसका हम पीस कट कर लेते हैं। आप जिस भी शेप में चाहे आप इसे बर्फी को काट सकते हैं। मैं इस 3 कलर वाली बर्फी को स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप इसे चाहें तो कतली का शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप दे सकते हैं। आप जिस भी शेप में चाहे इस बर्फी को काट सकते हैं।
आप चाहें तो इस बर्फी में इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको पसंद हो तो आप डो बनाते वक्त ही उसमें इलायची पाउडर ऐड कर दें। मैंने बिना इलायची पाउडर के ही बनाया है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और मैंने इसे बिना गैस जलाए ही बनाया है, लेकिन इतना टेस्टी बना है जिसका कोई जवाब नहीं। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने सारे बर्फी को अच्छे तरीके से निकाल लिया। आप देख सकते हो कितना अच्छा बर्फी बना है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखलाती हूँ। अगर ये बर्फी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।